स्वागत है। बिहार के महत्वपूर्ण और जरूरी खबरों के देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। बिहार में हुई इस साल की सबसे बड़ी लूट को लेकर तेजस्वी यादव ने सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज और कहा कि महाजंगल राज के महाराजा इस पर कुछ नहीं बोलेंगे। हमारे राज में जंगल राज नजर आ रहा था और इसके राज में राजा नजर आ रहे हैं। इसके बारे में पूरा विस्तार से वो जानते हैं। तेजस्वी यादव ने बिहार के दरभंगा जिले में बड़ा स्थित अलंकार ज्वेलर से बुधवार को 10:30 दिन को हथियारबंद अपराधी ने 10 करोड़ सोने के जेवरात को लूट लिया और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। शहर की हृदय स्थलीय दरभंगा टावर के पास भीड़ भाड़ वाले बाजार में दिन दहाड़े हुई इस घटना से सनसनी फैल गई। इस पर तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार सरकार पर हमला करते हुए तेजस्वी यादव ने ट्वीट करते हुए कहा कि महाजंगल राज का महाडरावना नज़ारा, दरभंगा में सत्ता संरक्षित हथियार बंद अपराधी दिन दहाड़े भरे बाजार में कई राउंड फायरिंग करके 10 करोड़ रुपए को लूट कर ले जाते हैं। चंद दूरी पर एसपी ऑफिस और बीजेपी विधायक के आवास हैं। जवाब कौन देगा? 30 साल पहले के सीएम वर्तमान सीएम नीतीश कुमार, जवाब दीजिए, जनता जानना चाहती है। पटना हाईकोर्ट का फैसला आ गया है। 23 शेड्यूल में 13 दिसंबर को होगी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की परीक्षा। पटना हाईकोर्ट ने बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ग्रुप डी के इंटर स्तरीय प्रतियोगिता की मुख्य परीक्षा को 23 शेड्यूल के मुताबिक 13 दिसंबर को कराया जाएगा। यह निर्देश सुप्रीम हाई कोर्ट के पटना हाई कोर्ट के द्वारा दिया गया है। अगर जो भी इस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म फिल किए होंगे वो इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। 13 दिसंबर को यह पेपर करवाया जाएगा, ये पटना हाई कोर्ट का निर्देश है। इसी के बीच में आपको बता दें कि बड़ा फैसला लेते हुए पटना हाई कोर्ट ने बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा ग्रुप डी के इंटर स्तरीय प्रतियोगिता की मुख्य परीक्षा पूर्व की कार्यक्रम के अनुसार से 13 दिसंबर को कराया जाएगा निर्देश दिया है। और बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की अपील पर चीफ जस्टिस ने संजय करोल की खड़गपीठ में सुनवाई है और यह स्पष्ट हुई है कि यह एग्ज़ाम अब नहीं टलेगी। जो तय तिथि बताया गया है 13 दिसंबर को 2020 को यह एग्ज़ाम होगी। इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें।